हेलो दोस्तों, मैं रामदेव आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज गुरुजी पर। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख रहे हो भी, HSSC CET जो ग्रुप डी होना था आपका 21 और 22 अक्टूबर को, तो नोटिस है वो भी ऑफिशियल साइट पर डाल दिया गया है। उसमें भी कुछ बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है, कितनी शिफ्ट में है, वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही क्या बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो समय से आपको मिल सके। तो ये भैया आपका नोटिस आ गया है ग्रुप डी का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो 21 और 22 भाई इन्होंने कन्फर्म डेट घोषित कर दी है। मॉर्निंग और इवनिंग दो शिफ्ट होनी है भाई एक दिन के अंदर। तो ये भी आप दे सकते हैं यहाँ पर टाइमिंग आपका 21 तारीख को मॉर्निंग 10 AM से लेकर 11:45, यानी इसमें 105 मिनट का समय भाई यहाँ पर इन्होंने फिक्स किया है। तो 105 मिनट इसमें दिए जाएंगे और यही प्रोसेस भाई आपका इवनिंग में है 3 बजे से लेकर 4:45 तक। तो ये है भाई प्रोसेस आपका। पैटर्न आपका ऑफलाइन है, MCQ और ऑफलाइन पेपर आपका है। इन्होंने बता दिया भाई एलिजिबल, यानी इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा इसमें दी जाएगी। और जैसे भी यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो CET का जो एडमिट कार्ड आना है ग्रुप डी का, तो वो भाई आपका एक तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला है वेबसाइट आपकी, और एक यहाँ पर है HSSC.gov.in। तो इस पर वे विजिट करें, इसमें इन्होंने आज की डेट पे बिल्कुल लेटेस्ट नोटिस है। तो ये थी भी इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के साथ है शेयर करनी थी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।